आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश सहित प्रदेश भर में 21 अक्टूबर को वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस दिन को जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों एवं नर्सों का सम्मान किया जा रहा है। दरअसल देश और प्रदेश भर में वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे लेकर जगह जगह सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है। रीवा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा आज सिंधु भवन सहित सभी वैक्सीनेशन सेंटरों में पहुंचकर सम्मान समारोह का आयोजन कराया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सिंधु भवन में वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ नर्सों का भी सम्मान किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों को सम्मानित किया गया? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम लोगों को आज सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने हम लोगों को सम्मानित किया है, क्योंकि भारत देश 100 करोड़ जनसंख्या वैक्सीनेटेड हो गई है, उस उपलब्धि पर आज हम लोगों को सम्मानित किया गया है। तो हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को टॉवल दिया गया है, टीका लगवाया और लोगों को टीका लगवाना है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए खासकर हम लोगों को किया गया है सम्मानित, क्योंकि हम लोग लगातार लगे रह गए हैं इसमें, इस कार्य में, तभी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। कल 21 अक्टूबर को देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्ध हासिल की है। हमारे देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है, जिसके उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका सम्मान कर रही है। उसी साथ में भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के द्वारा अपने रीवा शहर में जो भी हमारा टीकाकरण की टीम है, जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं और जो हमारी 10 मोबाइल यूनिट है, उनमें लगे हुए सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो हमारी नर्स बहनें हों, चाहे हमारे डॉक्टर हों या जो वेरीफायर हैं, उन सब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। ऐसे भी बहुत से हैं ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं अपने, उनको भी आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे जिले भर में, कल हमारी बैठक हुई थी, सभी जो हमारे 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 3 सिविल अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, इसके साथ ही जो भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो अन्य टीकाकरण केंद्र, उन हर जगह हमारा कार्यकर्ता पहुँच कर इन सब लोगों का सम्मान कर रहा है।